सोमवार को प्रधान महालेखाकार इंद्रदीप सिंह धरीवाल के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हिमाचल प्रदेश प्रधान लेखाकार कार्यालय एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी भाषा में कार्य करने का आग्रह किया गया। सोमवार को हिमाचल प्रदेश प्रधान लेखाकार कार्यालय एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर प्रधान महालेखाकार इंद्रदीप सिंह धारीवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथि ने राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित निर्देशों का वर्णन करते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संपूर्ण वर्ष 100% कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया। हिंदी की वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी प्रोमिला शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हिंदी भाषा के प्रचार व प्रसार के उद्देश्य से इस पखवाड़े का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रश्नोत्तरी, कविता पाठ, वाद विवाद, आशुभाषण, श्रुतलेख, अनुवाद, टंकण आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 16 सितंबर को समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह हिमाचल प्रदेश प्रधान महालेखाकार कार्यालय शिमला में मनाया जाएगा। 15 दिवसीय हिंदी समारोह मनाया जा रहा है दोनों कार्यालयों द्वारा, प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा व प्रधान महालेखाकार लेखा व हकदारी। मैं यह है कि हिंदी का प्रचार और प्रसार और सभी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी वो हिंदी में काम करें, और इसमें हमने तरह तरह की प्रतियोगिताएँ भी रखी है, जैसे कि टिप्पण आलेखन, अनुवाद और टंकण प्रतियोगिताएं, और इस बार हमने नई प्रतियोगिताएं भी कई शुरू की है। हम वैसे तो कोशिश कर रहे हैं कि 100% कार्य हिंदी में हो, फिर भी हमारे कार्यालय द्वारा कई बार 94 से 98% कार्य हिंदी में प्रतिशतता आती है, और कई बार नगर राजभाषा में भी हमारा कार्यालय पुरस्कार प्रथम लेकर आता है। लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।